नोइंबई के खारघर में आज हिंदी दिवस की धूम रही। पूर्वांचल पब्लिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मशहूर कवि डॉक्टर मुकेश गौतम और सुनील सावरा समेत कई कवियों ने अपनी कविताओं से हिंदी भाषियों को जमकर गुदगुदाया और विचार मंथन के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन संस्थापक प्रमोद सिंह और अध्यक्ष हेमंत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय और साहित्य प्रेमी मौजूद थे। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। तस्वीर में दिख रहे आज के हिंदी दिवस कार्यक्रम में देश के ख्यातिनाम कवियों ने अपनी कविताओं से जमकर हंसी बिखेरी। पूर्वांचल पब्लिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में श्रेकाप नेता बालाराम पाटिल, जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र शुक्ला समेत तमाम दिग्गज हिंदी भाषी मौजूद रहे। यहाँ कवि योगेश मिश्रा के संचालन में कवि सूरज त्रिपाठी ने काव्य सम्मेलन का आगाज किया। ख्यातिनाम कवि डॉक्टर मुकेश गौतम और सुनील सावरा ने हास्य कविताओं की शानदार बल्लेबाजी की, जिस पर सारा हॉल ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिए हिंदी भाषियों में जमकर जोश भरा। और उन्होंने जवाब में लिखा कि बेटा बेटा तू अगर इस तरीके से अपने प्यार का इजहार करेगा, बेटा तू अगर इस तरीके से अपने प्यार का इजहार करेगा तो तेरे ट्यूब में कोई तीसरा ही हवा भरेगा। और सारे लोग, मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी और राइटर भी हूँ। हम वो बहुत बड़ा राइटर है सुनील भैया, तुमने क्या लिखा है? दीवार के सारे डायलॉग्स हमने लिखे सुनील भैया। दीवार ममता बच्चन नहीं, वो जो लिखा हुआ था ना, थूकना मना है, मैंने कहा माइक और वाइक पर सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। और माइक के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। कार्यक्रम के आयोजक और पूर्वांचल पब्लिक फाउंडेशन के संस्थापक प्रमोद सिंह एवं अध्यक्ष हेमंत सिंह ने कहा कि हिंदी दिवस उत्तर भारतीयों को जोड़ने की एक पहल है। हम सब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक सहभागिता हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकें, यही प्रेरणा देने हर साल हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उन्होंने हिंदी भाषियों को जगाते हुए और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आज मैं सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते। हिंदी पूरे समाज में और तेजी से फैले, और ये कार्यक्रम जो था, ये हिंदी दिवस के रूप में हम अपने लोगों को एकत्र करने की जो हमारी बीड़ा थी वह भी हम साथ रखे थे कि हम लोग एकत्र हो जाएं, संगठित हो जाएं और ऐसे कार्यक्रमों को और चढ़बढ़ के हम लोग करें। जब हमारी एकता और संगठित होना लोगों को दिखने लगेगा तो फिर जो हमारा सम्मान है, जो पार्टियों के द्वारा हम लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है या जो हमें प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है, वो मिलना चालू हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हमने यही संदेश देना चाहते हैं कि पहली बात तो हिंदी समाज के पूरे भारत के विश्व में तीसरे नंबर पे बोली जा रही है, तो यहाँ भी उसका सम्मान बढ़े। क्योंकि आज के हमारे जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी अपने हिंदी से बहुत दूर भाग रही है, तो युवा पीढ़ी के अंदर भी यह संचार हो कि हिंदी क्या है उसे समझे, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर आयोजित किए थे। वही मशहूर कवि सुनील सावरा ने काव्य सम्मेलन को हिंदी को आगे बढ़ाने का जरिया बताया, जबकि ख्यातिनाम कवि डॉक्टर मुकेश गौतम ने विश्वास जताया कि ऐसे कार्यक्रमों से हिंदी का विस्तार हो रहा है। हिंदी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। हालांकि उन्होंने उत्तर भारतीयों की उपेक्षा और बिखराव पर चिंता जताई। डॉक्टर मुकेश गौतम ने कहा कि हिंदी भाषी समाज को एकजुट होना होगा, ऐसे हिंदी दिवस कार्यक्रम इसमें मददगार भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की सभी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। भाषा न केवल देश को जोड़ने का काम करती है, पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करती है। जहाँ तक हिंदी की बात है, लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी पिछड़ रही है, लेकिन पूरा विश्व, पूरी दुनिया के इतने सारे देशों में जाने के बाद, बड़े बड़े संस्थानों में जाने के बाद, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत तेज़ी से विकास कर रही है।
कॉरपोरेट में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है और हिंदी इतनी तेज़ी से विकास कर रही है। आज हम बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े संगठनों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग किस तरह से हिंदी से प्रेम कर रहे हैं, हिंदी का विस्तार हो रहा है, हिंदी पूरे ग्लोबल की, पूरे विश्व की भाषा बन रही है। जहाँ तक हिंदी भाषी समाज की बात है, हिंदी भाषी समाज बहुत लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहता कर रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल जब भी कुछ देता है, जब उसको बहुत बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं उसको समर्थन मिले, वोट के रूप में, समाज के रूप में समर्थन मिले। हाँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ कि महाराष्ट्र में उत्तर, मैं इसको मैं कहता भी हूँ, मैं कह भी रहा हूँ आज बड़े इस मंच से भी कह रहा हूँ कि उत्तर भारतीयों को जो सम्मान, जो हक मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार हैं, जितनी संख्या में वो यहाँ आए, जितनी उनकी भागीदारी है, जितने समाज में उनका काम है, योगदान है, उसके अनुपात में उनको भागीदारी न सत्ता में मिल रही है, न राजनीतिक दलों में मिल रही है। ये इसके लिए, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, उनको चिंतन करना है कि क्यों उनको पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल रही है, क्यों उनको पर्याप्त सम्मान राजनीतिक दलों में नहीं मिल रहा है, ये उनके लिए उनको करना है। बहुत अच्छा लगा। और पूर्वांचल पब्लिक फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छी पहल की है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, हिंदी के सम्मान में ये जो कवि सम्मेलन हुआ है, हम सारे कवि गदगद हैं, खुश हैं, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि पूर्वांचल पब्लिक फाउंडेशन यूं ही आगे बढ़ते रहे और यूं ही बड़े बड़े कार्यक्रम करवाती रहे। अब हम हिंदी की सेवा करते रहें, हम तो माँ हिंदी के छोटे से पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। माँ जितनी बड़ी होगी, बेटा भी उतना बड़ा होगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, पूरे मुंबई में कम से कम जितने सरकारी पखवाड़े कार्यक्रम नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा पूर्वांचल पब्लिक फाउंडेशन के प्रोग्राम होने चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए। देखना, हमारे सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग इससे जुड़ेंगे और हिंदी की सेवा करेंगे। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।